Hello everybody, today we are going to start with a very basic topic of grammar, that is parts of speech. Now from the word parts of speech you will be able to understand one thing. Parts matlab tukde aur speech matlab bolna. To speak is what we call as speech. So agar aapko ye parts of speech nahi pata to aap grammar ke kitne bhi advanced topic pad lijiye wo kisi usage ke nahi hain jab tak aapko inke bare mein puri information nahi hai. Okay, so for that thing I'm here to help you out. Okay, so let us start with one by one all the parts of speech. Now in grammar we have 8 parts of speech, namely noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Now what do we mean by noun? So noun is nothing but a naming word. किसी भी naming word को हम noun बोल सकते हैं, ठीक है? For example, my name is Shweta. तो Shweta क्या हो गया? एक noun, क्योंकि नाम ही तो है. Okay? मेरी favorite place अगर मुझे visit करनी है, I want to go to Paris. So Paris मैंने नाम बोला, which is a name of a city. So it is also a noun. Paris भी एक noun हुआ. किसी school का अगर मैं नाम कहती हूँ, suppose Saint Xavier's, तो वो भी तो school का नाम ही है ना? It will also be a noun, right? Suppose if I talk about a movie, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये भी तो noun है, क्योंकि ये भी तो नाम है, movie का नाम है. Here I have written Titanic, which is also a name of movie, और वो एक बहुत बड़ी ship का भी नाम था, तो ये भी क्या हुआ, एक नाम, Titanic. आज मैं बहुत खुश हूँ, I'm very happy. तो ये जो मेरा happy होने का जो emotion है, उसका भी तो कुछ नाम होगा. So it is called as happiness. ठीक है, हैप्पी होने का जो इमोशन है उसका नाम है हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस इज आल्सो अ नाउन. काइंडनेस इज आल्सो अ नाउन. ओके, अगर मैं बीमार हूँ तो मेरा स्टेट ऑफ बीइंग हो गया इल होने का. आई एम इल टुडे. सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग कॉल्ड, उसका नाम क्या होगा? इलनेस. इट इज आल्सो अ नाउन. ठीक है, बहुत जोर से किसी को हंसी आ रही है और हंसना और वो हंसने के एक्शन का भी एक नाम होता है, उसको बोलेंगे लाफ्टर. इट इज आल्सो अ नाउन. तो कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम इज नाउन. ओके, इट कैन बी अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन, क्वालिटी एटसेट्रा. इट इज ऑल अ नाउन. ओके, जैसे अगर कोई ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल होने की क्वालिटी का भी एक नाम है, ब्यूटी. इट इज अ नाउन. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नाउन, नेमिंग वर्ड्स. नाउ सेकेंड वी मूव ऑन टू प्रो नाउन. इसको तोड़ो दो हिस्सों में. प्रो नाउन, प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ और बच गया क्या, नाउन. तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को हम बोलेंगे प्रोनाउन. सो अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. एग्जाम्पल, सपोज मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, श्वेता इज अ गर्ल, श्वेता इज टीचिंग, श्वेता इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. आप बार बार श्वेता 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 बोलोगे क्या? इट इज वेरी इनकन्वीनियंट. तो यू विल रिप्लेस द वर्ड श्वेता, यू विल रिप्लेस द नाउन श्वेता विद द वर्ड शी. एक बार बोलोगे श्वेता इज अ गर्ल, शी इज टीचिंग, शी इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो आपने क्या लगा दिया, श्वेता की जगह पे शी. अगर कोई गर्ल है तो शी, अगर कोई बॉय है तो ही, अगर कोई एनिमल है, अगर कोई थिंग्स है तो वी विल यूज इट. इफ वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन देन वी यूज दे एटसेट्रा. सो दिस इज वॉट वी कॉल एज प्रोनाउन, एनी वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच विच इज कॉल्ड एज वर्ब. Verb is nothing but an action word. Any word which tells you about action is what we call as verb. Okay? किसी भी action word को हम verb बोल सकते हैं. Suppose I am teaching here, so teach is a verb. If I write on the board, writing is a verb. If I am speaking, speak is a verb. Stand is a verb. Go is a verb. Take is a verb. ये क्या हो गए, सारे action ही तो हैं, तो इनको हमने बोला verbs. क्लियर, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एड वर्ब. देखो एड वर्ब, वर्ब में एड करो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एडवर्ब. मतलब एनीथिंग व्हिच विल डिस्क्राइब योर वर्ब, व्हिच विल डिस्क्राइब योर एक्शन इज व्हाट वी कॉल एज एडवर्ब. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द सिंगर, ओके, नाउ आई से लेट अस टेक अ वेरी कॉमन सिंगर, श्रेया घोषाल. तो श्रेया सिंग्स मेलोडियसली. मैंने क्या बोला, सिंग्स मेलोडियसली. गाती तो है पर कैसा गाती है, वो गाने का एक्शन कैसा है, तो वर्ड क्या आया, मेलोडियसली. इसने डिस्क्राइब किया उसकी सिंगिंग को. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, और उसने मैंने अगर ऐड कर दिया आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या हुआ, मेरे जो उठने का एक्शन है सुबह, द वेकअप एक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड अर्ली, कि मैं उठती हूँ पर मैं कब
उठती हूँ अर्ली. ओके, सो दैट इज वॉट यू कॉल एज एट वर्ड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. देखो इसमें फिर से वर्ड आ रहा है एड. एड मतलब एड करना. सो इसे इसमें एड करते हैं. सो इट इज एनी वर्ड विच विल एड समथिंग टू योर नाउन और इट विल डिस्क्राइब अ नाउन. जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना. इसमें हम वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं इसलिए उसको एडवर्ब बोलते हैं. इसमें हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं इसलिए हम एडजेक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई यंगर सिस्टर इज वेरी ब्यूटिफुल. मैंने बोला मेरी छोटी बहन बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैंने अपनी बहन को डिस्क्राइब किया. माई सिस्टर इज अ नाउन एंड आई हैव डिस्क्राइब हर दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल इज अ नाउन. ओके, नाउ आई हैव दिस मार्कर एंड दिस मार्कर इज वाइट इन कलर. तो आई हैव दिस वाइट मार्कर. तो वाइट मार्कर मैंने क्या किया, मार्कर को डिस्क्राइब किया ये बता के कि ये वाइट कलर का है. ओके, सो वाइट इज माई एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव. नाउ आई हैव अ लेदर बैग. मेरा बैग है वो नाउन है और उसको मैंने डिस्क्राइब किया ये बोलते कि वो जो बैग है ना वो लेदर का बैग है. सो इट इज एन एडजेक्टिव बिकॉज लेदर इज डिस्क्राइबिंग, गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई बैग. आपको जो नाउन है बैग उसके बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है लेदर वर्ड. सो दैट विल बी एन एडजेक्टिव. आई एम वेयरिंग अ जैकेट विच इज ब्लैक इन कलर. सो आई हैव अ ब्लैक जैकेट. तो जैकेट तो है पर क्या डिस्क्राइब हो रहा है उसके बारे में, कलर ब्लैक. Understood? So this is what we call as adjective. Now the next part of speech is preposition. देखो ये word position से ही आपको पता चल जाएगा. It is a word which tells you or describes you about a position of anything. कोई चीज कहाँ है, कहाँ रखी है, किस जगह पे है, that will be inferred from the position of it. Okay? Suppose मैंने बोला कि आई हैव पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. क्या बोला, मैंने अपनी कार को पार्क किया है पर कहाँ पार्क किया है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. तो मैंने उसकी पोजीशन बताई कि वो कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. तो इन फ्रंट ऑफ इज माई प्रीपोजिशन. ओके ओके, नाउ द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. किसी बुक को मैंने बोला कि वो टेबल पे रखी हुई है तो आई हैव टोल्ड द पोजीशन ऑफ इट, इट इज ऑन द टेबल. सो ऑन विल बी माय प्रीपोजिशन. द स्काई इज अबव माय हेड. मेरे सिर के ऊपर है आसमान. ओके, तो मैंने क्या बोला, उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, इट इज अबव माय हेड. सो इट इज माय पोजीशन. ओके, सो दिस इज हाउ we understand preposition. Now my next word, next part of speech is conjunction. देखो यहाँ से पहले junction को हटा दो. Junction मतलब क्या होता है, anything which joins such, which joins anything. कोई एक चीज जो किसी दूसरी चीज को join कर उसको अपन junction बोलते हैं. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नागपुर junction, रायपुर junction. ये क्या हो रहा है, it is joining. Here joining is done, it is joining two places is what we call as junction. So, वैसे ही ग्रामर में क्या होता है, ऐसा कोई शब्द जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे या दो किसी और शब्दों को ज्वाइन करे इज व्हाट वी कॉल एज कंजंक्शन. एग्जांपल, आई कुड नॉट अटेंड द कॉन्सर्ट बिकॉज आई वॉज इल. मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस बोला आई कुड नॉट अटेंड द कॉन्सर्ट, मैंने दूसरा सेंटेंस बोला आई वॉज इल और मैंने दोनों को ज्वाइन किया है बाई गिविंग अ वर्ड बिकॉज. So because will be my conjunction. I and my friend went for a concert. यहाँ पे मैंने क्या किया, दो लोगों को join किया. पहला मैं खुद I, फिर मैंने बोला and my friend. दूसरा कौन है, मेरा friend. तो दो लोगों को join करने के लिए मैंने use किया and. तो ऐसे words which is used to join two words or two sentences or two phrases is what we call as conjunction. Now the last topic, the last one is interjection. So this part of speech means sudden expression. ऐसे words जो हम suddenly बोल देते हैं, जो हम सोच के नहीं बोलते हैं, वो sudden express हो जाते हैं हमसे, is what we call as interjection. Okay? Example, I was going somewhere and I got hurt. मैं गिर गई और मुझे hurt हो गया. तो suddenly हमारे मुँह से निकल जाता है ouch, I got hurt. तो ये आउच मैंने सोच के बोला क्या, इट वॉज जस्ट अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ माई सेल्फ. ओके, नाउ
when we see any beautiful thing or a beautiful scenery and all of a sudden we are like, wow. See, wow is a sudden expression. Okay, when something sad happens, we say alas, like somebody's dead. Alas, my dog is dead. When we win over something, then we say hooray, we won the match, and so on. So these alas, ouch, hooray, wow, these are all interjection words. So I hope you have understood this part of speech. And now if you want to get the details of each one of them with their types, then please watch my next video. Thank you so much. Have a nice day.